श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसापूर्ण। नमः शमसाराय स्वानुभूत्यार्चकास्ते चेष्टवाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चि। पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना योग में जो तत्व ज्ञान खिलका के सामने आया, उसमें से हमने एक विषय कल लिया है, उसे आगे बढ़ाएंगे। और वो विषय ये है कि दो प्रकार की शैलियां हैं, एक वस्तु शैली और एक उपदेश शैली। उपदेश शैली में ये कहा जाता है कि तुम सम्यक दर्शन करो, और अध्यात्म शैली या वस्तु शैली में कहा जाता है कि करना नहीं है, समझा जाता है। अंतर समझ में आया कुछ? जैसे ही समझ सच्ची होती है उसके फल में सम्यक दर्शन होता है। ब्रह्मचारी हरिभाई जी ने बाल पोथी लिखी, उसने बहुत अच्छी मुझे धर्म करना है, तो धर्म कैसे करना है, तो उस बच्चों के गीत में लिखा है वो, मुझे समाज सच्ची करनी है। ध्यान रखना, शिवोपम बढ़ाने की बात नहीं चल रही है, समझ सच्ची करने की बात चल रही है। करोड़ों ग्रंथों को पढ़ लेने पर भी सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन ध्रुव को जानने वाले को सम्यक दर्शन की गारंटी है। जिसको ध्रुव की समझ हो गई है, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं त्रिकालिक हूं, अद्भुत भगवान आत्मा हूं, यूनिक हूं, उसे सम्यक दर्शन की गारंटी है। उपदेश के लिए भैया स्वाध्याय किया करो, थोड़ा ग्रंथ पढ़ो, आद्यपान पढ़ो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्रंथों में पढ़ना क्या ये तो पूछा। कोटि ग्रंथन को सार पूछो था, जब बहुत शास्त्र पढ़ने चला गया तो उपदेश शैली में बह गया। सुनो क्या पढ़ना है उपदेश में, विश्व की कोई भी पर्याय, कोई भी द्रव्य गुण पर्याय यूं समझ लो, वैसे तो पर्याय की ही बात है, विश्व की कोई भी द्रव्य गुण पर्याय ध्रुव स्वभाव को छूता नहीं है, भगवान आत्मा छूता नहीं है, राग में अड़तोज न सी। ये वस्तु शैली से सिद्ध होगी, ये बात कैसे सिद्ध होगी, ये वस्तु शैली से, वस्तु शैली कहो, अनेकांत की दृष्टि कहो, श्रद्धा मुखेन ज्ञान कहो, शैली में श्रद्धा मुखेन ज्ञान कहो, श्रद्धा की मुख्यता से ज्ञान जाने, ध्रुव को जाने। कल यहां तक चर्चा हुई थी अपनी, अपन आगे बढ़ेंगे। सभी की जिम्मेदारी है भैया, जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो माने उस वस्तु स्वरूप को समझो। क्या समझो, कल तो बहुत रिपीट किया था अपन ने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर सकता नहीं, ये द्रव्य की स्वतंत्रता। थोड़ी सी चर्चा गुण की स्वतंत्रता की करेंगे, कल की बात को रिपीट नहीं करना, तो गुण की स्वतंत्रता। सुनो, दो द्रव्य की स्वतंत्रता में मैं विश्व के सारे द्रव्यों से स्वतंत्र हो गया, और गुणों की स्वतंत्रता में अब जहां थोड़े अंदर अंदर की बात है, गुणों की स्वतंत्रता में अंदर अंदर की बात है, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में अनंत गुण है, और ये गुण दूसरे गुण से अप्रभावी है, ये गुण दूसरे गुण से स्वतंत्र है। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, पर्याय की चर्चा ज्यादा करना चाहता हूं, इसलिए संक्षेप में बताऊंगा थोड़ी सी बात, क्योंकि आप सब स्वाध्यायी हो इस समय।
दो गुणों के बीच में स्वतंत्रता का मतलब सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी मिस्टेक होती हम लोगों से, उस मिस्टेक में 2-5 मिनट भजन दूंगा थोड़ा समझाने के लिए, जिसके बाद पर्याय की स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे। कैसा है, जो व्यक्ति 24 घंटे ये सोचता है कि मैं देह का आचरण अच्छा करूंगा तो सम्यक दर्शन होगा, इसको तो अभी द्रव की स्वतंत्रता की भी खबर नहीं है। जो शरीर का आचरण सुधार करके सम्यक दर्शन करना चाहता है, ध्यान रखना शरीर में दुराचरण करने की बात नहीं चल रही है, स्वच्छता की बात नहीं चल रही है, लेकिन सम्यक दर्शन की बात चल रही है ना, वस्तु शैली की बात चल रही है, अनेक कांतात्मक सत्य की बात चल रही है, इसलिए स्वच्छता का अर्थ नहीं लेना है यहाँ। लेकिन 28 मूलगुण है ना, द्रवलिंगी मिराज 28 मूलगुण पाले तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ होगा सोचो तो सही। टोडोमल जी साहब ने लिखा है देखो तत्व विचार की महिमा। अभी तत्व क्या चीज है, जिसके होने पर अनुव्रत महाव्रत नहीं होने पर भी सम्यक का अधिकारी होता है, कौन सी चीज होती होगी? ओहो, इसका मतलब इसे दो द्रव की स्वतंत्रता नहीं मालूम। लेकिन थोड़े से अपन अपने बीच में आ जाऊं, थोड़ा मैं बहुत शिव से मड़ाऊंगा, बहुत शास्त्र अभ्यास करूंगा, बहुत चिंतन करूंगा, बहुत विचार करूंगा तो मुझे सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा। मैं आत्मा का बहुत विचार करता हूं, मैं स्त्री पुत्र आदि का विचार नहीं करता हूं, मैं केवल आत्मा के गुणों का विचार करता हूं, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा। इस व्यक्ति ने क्या गड़बड़ कर ली कि ज्ञान गुण के 6 अवसर से सम्यक दर्शन करना चाह रहा है? सुनना, ये भूल है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी भूल है। क्या जिनका 6 अवसर कम हुए वे तो दीन हो गए, फिर जो पढ़ ही नहीं पाएंगे अंगूठा छाप होंगे वे तो फिर सम्यक दर्शन ले ही नहीं पाएंगे, और त्रियांश गति की जीत तो सम्यक दर्शन ले ही नहीं पाएंगे। हाँ, जैन कुल में जन्म लेकर के भी यदि किसी को क्षयोपशम की कमी से सम्यक दर्शन की कमी महसूस होती है तो ये भूल मिटाने लायक है। दो गुणों की स्वतंत्रता है, टोडो मेरे सामने तो बहुत खुलासा किया, 7 तत्व का नाम नहीं जानने वाला त्रियांश गति का जीव भी सम्यक दर्शन का अधिकारी कैसे हो जाता होगा? शेर से पूछो 7 तत्व के नाम क्या होगा। टोडोमल जी ने हिरण का दृष्टांत दिया, हिरण संगीत का प्रेमी है, अब वो नहीं जानता वो क्या होती है तुम्हारी, वो हम भी नहीं जानते उसको ज्यादा, वो संगीत में होती है लय ताल क्या क्या होता है, जो कुछ भी होता है वो समझ लेना, फिर भी उसके भाव भाषण को प्राप्त होता है। ऐसे ही मैं ध्रुव हूं, मैं उसे सिद्ध करना चाह रहा हूं, बराबर है? तो दो गुणों की स्वतंत्रता जरूर देखना भैया, 6 अवसर कम हो तो भी तू पूरा है, 6 अवसर अधिक हो तो 6 अवसर अधिक का मान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अधिक 6 अवसर से कोई सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है, लेकिन अधिक 6 अवसर नहीं हो और हो दोनों कंडीशन में ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव तो ध्रुव है। आइए वापस, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो उत्पाद व्यय की अपने बात की, अभी नहीं उत्पाद व्यय की बात करनी बाकी है, अभी ध्रुव की बात कर ली अपने, ध्रुव की स्वतंत्रता और गुणों की स्वतंत्रता। ध्यान रखना देह के आचरण से अपने को बड़ा माने वो तो बहुत दूर चला गया, ध्यान रखना किसी और की बात नहीं चल रही, अपनी बात चल रही है। पहले हम इतना आचरण नहीं कर पाते थे, अब कर लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं मतलब गड़बड़ है, पहले कम क्षयोपम था अब ज्यादा क्षयोपम है, दोनों की तुलना करके अपने को बड़ा मानने लगे, बड़े त्यागी बड़े पंडित जी बड़े ज्ञानी बड़े विद्वान, भूल हो गई। सुनो, जैन शासन में ध्रुव का अनुभव करता है, ध्रुव को जानता है, वो ही बड़ा है। बड़ा छोटे की बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो मोक्ष मार्ग है, जो अपने को ध्रुव अनुभव करता है ये मोक्ष मार्ग है, बराबर। आइए अभी इतनी शॉर्ट में इसकी बात पूरी की, गुण की चर्चा तो बहुत हो सकती है, लेकिन आप सब स्वाध्यायी हो, गोष्ठी कर लेने ज्यादा हो जो नए लोग हों। अभी तीसरी बात का खुलासा ज्यादा करना है मुझे, तीसरी का मतलब है उत्पाद व्यय ध्रोव, ध्रोव की बात हो चुकी है अब उत्पाद व्यय की बात करेंगे। सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, मूल बात, जैन शासन में
भेद विज्ञान ध्यान से सुनना थोड़ा सा। आगम में हम देह से भेद विज्ञान करते हैं, संयोग से भेद विज्ञान करते हैं। आगम की शैली में हम पर से भिन्न अनुभव करते हैं और अध्यात्म शैली में पर का मतलब शुद्धा शुद्ध पर्याय भी है। नियम साजी की गाता है, पर द्रव्य है पर भाव है पूर्वोक्त सारे भाव ही। नव तत्वों को बहिर्तच्चम हेयम कह दिया। इसका क्या मतलब निकला? जिन्हें अंतर में आत्मा का अनुभव करना हो वे पर्याय से भेद विज्ञान करें। क्या बोला? जिन्हें आत्मा का अनुभव करना है उन्हें पर्याय से भेद विज्ञान करना है। स्थूल चर्चा तो वही है, उपदेश शैली में बहुत ज्यादा आती है जो, और झट ऐसा लगने लगता है अब मैं कम खाने लगा हूं, अब मैं दुकान पर नहीं जाता हूं, मैंने सब छोड़ छाड़ दिया है। गुरुदेव कह, छोड़ा क्या है तेरे पास, खा क्या? गुरुदेव श्री ऐसे फरमाते हैं, तेरा था कहां ने तुम्हें छोड़ा? ओहो, तू ध्रुव का अनुभव नहीं करता है, पर के ही ग्रंथ छोड़ को ग्रंथ छोड़ मानता है। त्याग उपादान शून्य अनुभव नहीं करता जब तक कोई काम की चीज नहीं आई। आया समझ में आया? तो अध्यात्म में अंतर में जो उत्पाद वह है पर्याय है उसे भिन्न अनुभव करने की बात है, नव तत्व से भिन्न अनुभव करने की बात है। इसलिए सूक्ष्म बात है थोड़ी सी, उसी यज्ञ से चलाऊंगा भैया, सब लोग समझना ध्यान से चले। उत्पाद व्यय अर्थात पर्याय, अब मैं ऐसे समझाता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनना थोड़ा सा। फास्ट चलेगी चर्चा, द्रव्य गुण पर्याय, एक बार बोलो जरा, द्रव्य गुण पर्याय, बराबर? कठिन तो नहीं लगेगी ना बात, बहुत सरल पॉइंट है। जरा देखो, द्रव्य गुण पर्याय, आई टू आई रहना थोड़ा सा, आई टू आई, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। शब्द नहीं सुनना, वस्तु देखना हो, वस्तु दिखा रहा हूं मैं। द्रव्य ध्यान से सुनना, द्रव्य हमारी पकड़ में नहीं आता है, इंद्रिय गोचर नहीं है, पांच इंद्रियों का विषय नहीं बन पाता, इसलिए उसे समझाने, ध्यान रखना, उसे समझाने के लिए, ध्यान से सुनना, उसे समझाने के लिए, मैं समझ को सम्यक दर्शन से जोड़ रहा हूं, ध्यान रखना, समझाने के लिए गुण भेद की चर्चा की। क्या बोला हमने? द्रव की चर्चा क्यों की गई? द्रव के साथ गुण की चर्चा क्यों की गई? अभी ध्रुव का अनुभव करने के लिए, गुण भेद का विचार करने के लिए नहीं, 47 शक्ति विचार करने के लिए नहीं, आनंद शक्ति विचार करने के लिए नहीं, गुण भेद, ध्यान रखना, गुण भेद की चर्चा अभेद की निर्णय और अनुभव के लिए थी, बराबर? अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गुण भी हमें दिखाई नहीं देती, पांच इंद्रियों के विषय नहीं है द्रव्य और गुण, तो व्यक्त जिसको कहते हैं व्यक्त, ये दोनों अव्यक्त हैं और ये व्यक्त है, पर्याय व्यक्त है, ज्ञान गुण की पर्याय व्यक्त है, श्रद्धा की व्यक्त है, तो वो व्यक्त के लक्षण से हम पहचानते हैं। अभी पॉइंट पकड़ नहीं दी, लाइन पकड़ लो तो मेरा तो प्रवचन यही पूरा हो जाएगा, इससे ज्यादा मुझे कहने नहीं कुछ। द्रव्य अभेद वस्तु को समझाने के लिए गुण भेद, और गुण भेद भी पकड़ में नहीं आता, भिन्न भिन्न सत्ता पकड़ में नहीं आती, तो पर्याय से गुण को पकड़ाया है, फिर से पर्याय से गुण को पकड़ाया है, और गुण के माध्यम से अभेद रूप का अनुभव कराना है। स्वाध्याय में हमें गुण पर्याय नहीं समझाना है, हमें गुण पर्याय नहीं रटाना है, हमें गुण पर्याय से कुछ मतलब नहीं है, गुण पर्यायों की चर्चा केवल अभेद ध्रुव ज्ञायक भाव की अनुभव के लिए है। तो ऐसे मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारी दिक्कत क्या आती है, जो केवल ज्ञान की चर्चा आती है ना, उंगली देख रहे कौन सी बोल रहा हूं, पर्याय वाली, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, ये पर्याय वाली उंगली देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित केवल ज्ञान, तो हमें फौरन इसकी महिमा जाती है, ये दो तो पकड़ में ही नहीं आते, इसकी महिमा जाती है। और आचार्य देव ने पर्याय की चर्चा पर्याय के लिए नहीं की, पर्याय की महिमा भी पर्याय की महिमा के लिए नहीं की। पर्याय मूर्ता क्यों हो गए? पर्याय मूर्ता क्यों हो गई? क्योंकि हमने पर्याय की चर्चा में पर्याय भी मस्त हो गए, सम्यक दर्शन तो चाहिए। ध्रुव का क्या हुआ? सुना, ध्रुव का अनुभव करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। क्या बोले? आप बोलो ना, फिर से बोलता हूं, पकड़ना जरा, पर्याय की चर्चा व्यक्त होने से पकड़ में आ जाती है जल्दी से,
तो आचार्य ने इसकी निंदा भी की है, इसकी प्रशंसा भी की है, अशुद्ध प्रियाओं की निंदा की है, तो झट हम अपने को दीन मानने लगते हैं। अपने को दीन हो, ध्यान रखना, ध्रुव को दीन मानने लगते हैं। और यहां पर पर्याय की शुद्धता की चर्चा की, केवल ज्ञान की चर्चा की, तो फिर वो तब भी दीन हो जाता है जी। हाँ हमें केवल ज्ञान चाहिए, हाँ सम्यक दर्शन चाहिए, तभी तो हम पूज्य होंगे, अभी हमारे में है ही क्या। सुन, हमें फिर से सुनो, गुण पर्याय के माध्यम से केवल ध्रुव की महिमा करना थी। अब एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो जैसा पर्याय में मलिनता तो है कि नहीं है, सुनोगे क्या बोला, पर्याय में मलिनता है कि नहीं, उत्तर सुनोगे, तो ध्रुव को नहीं जानता इसलिए मलिनता है, ध्रुव को बिसारने से मलिनता है और ध्रुव को जानने से निर्मलता होती है। बोल तुझे क्या करना है, बोलो, पर्याय का रोना रोना देखो अभी मैं देह की तो बातें नहीं कर रहा हूं, सही हो वो समाज की तो बातें नहीं कर रहा हूं, द्रव गुण पर्याय की बात कर रहा हूं। पर्याय में विकार क्यों है, मोहराग देश जो जो तुम्हें नाम डालने डालते रहो, क्यों है, क्योंकि तुम्हें ध्रुव स्वभाव का वेदन नहीं है। तो ध्रुव की विराधना करने वाली पर्याय मलिन है, लेकिन ध्रुव मलिन नहीं है, भगवान आत्मा मलिन नहीं है। इसका क्या मतलब निकला, अनादि काल से मलिन पर्यायों के बीच में भी ध्रुव तो सुरक्षित है। मैं बहुत ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक हूं, अखंड हूं। आह, नए लोगों के लिए थोड़ा दृष्टांत दे दे तो सरल पड़ जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। एक या दो दृष्टांत देने की कोशिश करता हूं। क्या दृष्टांत देना है, मोह राग देश होने पर भी, विकारी पर्याय होने पर भी, अज्ञानता होने पर भी, मिथ्यात्व होने पर भी, ध्रुव तो ज्यों का त्यों सुरक्षित है। त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा सुरक्षित है, इसलिए तू प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, मुदित था, मुदित था, गुजराती में बोलती है मैंने, मुदित था प्रसन्न हो जा, क्यों, वो तो सुरक्षित है। तो मैं दृष्टांत देता हूं, बाबूजी की याद आ जाती है, युवल जी बाबूजी की, उन्हीं की भाषा का दृष्टांत दे देता हूं आपको। सोना में और गहने में अंतर है, क्या बोला हमने, सोना में और गहने में अंतर है। अब क्या अंतर है, एक हथौड़ा मारा तो हार पिचक गया, ऐसे 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 हो गया। बाबूजी बोले, हार माने पर्याय मिटी है, लेकिन सोना 10-16 सुरक्षित है, इसका नाम है ध्रुव सुरक्षित है। हार में हथौड़े पड़े हैं, हार दुचल, बुंदेलखंड की भाषा में दुचली के, दुचली दुचल दिया उसको, लेकिन सोना का क्या बिगड़ा, 10-16 सोने का, सोना को आग में डाल दिया, सोना का क्या बिगड़ा 10-16 का, इसका नाम है ध्रुव सुरक्षित है। पर्यायों में चाहे जो बोलो, और क्या करना है, आग में डाल दो, दूध में डाल दो, पानी में डाल दो, गालियां दे दो, अरे छोड़ो, 10-16 सोना और 50-16 पीतल तांबा और मिक्स कर दो, इसको कर दो मिक्स, कर दो जो तुम्हें करना है करो, तपाओ जो जो तुम्हें करना है करो, गालियां दो। मैं पूछता हूं उस 10-16 का क्या होगा, उसका क्या होगा, वो 10-16 का, इसका नाम है 10-16 ध्रुव है। वो 40-16, 50-16 जो डाला ना तुमने, तो पीतल चांदी क्या क्या डाला, जो तांबा वगैरह, वो सब निकल जाने वाला है, 10-16 को छूता नहीं है। ऐसे विकारी भाव परद्रव्य तो भगवान आत्मा को छूता ही नहीं है, क्या बोला, परद्रव्य तो भगवान आत्मा को छूता ही नहीं है, ध्रुव को अड़तोज न थी, ध्रुव ने अड़तोज न थी, लेकिन वो जो मोहराग देश की परिहार में वो भी नहीं छूटी, उसका अनुभव कर, बोलो। अब दो दृष्टांत देने का प्रॉमिस किया, तो एक दृष्टांत और दे दें, बताओ, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो रोएं कि नहीं रोएं, रोएं माने पुरुषार्थहीनता। अब बोलो भाई क्या करना है, बोलो, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो क्या करोगे, बोलो बेटे हिम्मतनगर, बोलो, तुम्हारा 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो क्या करोगे, छोड़ दोगे, हैं? आज बहुत दूर कर दिया, मजा नहीं आ रहा मुझे, कल बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इतनी दूरी बहुत बर्दाश्त नहीं होती बाकी रही सही कसर है, लाइट कर रही है पूरी, कोई बात नहीं, अभी सुनो, पकड़ में आ रही बात,
मतलब एक करोड़ का हीरा डायमंड गटर में गिर जाए कौन कौन छोड़ के चला जाएगा हाथ खड़कर? ये पुरुषार्थ है, निकालेगा क्यों निकालेगा, इस बल पर निकालेगा, कोई बात नहीं, कोई बात ध्यान से सुनना, किस बल पर निकालेगा, किस बल पर निकालेगा बता, क्योंकि हीरे का, हाँ बोलो अच्छी भाषा में बोलो, क्योंकि हीरे में इंग्लिश की भाषा में कहते हैं फॉरेन मैटर कांट एंटर, फॉरेन मतलब बाहर की वस्तु में, बाहर का विकार, बाहर की चीजें, वो ध्रुव में प्रवेश ही नहीं करता, वो सोना में प्रवेश ही नहीं करता, सोना तो उस समय भी सोना ही है, ऐसे हीरा भगवान आत्मा ज्यों का त्यों है, अनादि अनंत ध्रुव भगवान हो, इस मस्ती का नाम सम्यक दर्शन। ध्यान रखना, ध्रुव को जानने वाले को सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, जो सम्यक दर्शन चाह रहा है जब तक सम्यक दर्शन का विकल्प कर रहा है इसका मतलब वो ध्रुव को नहीं जानता, क्या बोल गए हम, ध्रुव के बारे में जानता होगा, ए क्या बोला, ध्रुव के बारे में जानता हो, ध्रुव को नहीं जानता, मैं ध्रुव ये नहीं जानता, सुन करके पढ़ करके ध्रुव की चर्चा करना अलग बात है, ध्रुव के बारे में कह लेना सुन लेना पंडिताई कर लेना शास्त्री कर लेना पीएचडी कर लेना अलग बात है, और मैं ध्रुव हूं ये अद्भुत बात, ठीक पर्याय की बात समझ में आई, पर्याय बिगड़ी लेकिन मैं नहीं बिगड़ा, संयोग शरीर संयोग में आएगा, देखना कर्म और शरीर संयोग में आएगा, संयोग बदले मैं नहीं बदला, आइए तो पर्याय की बात स्टार्ट करता हूं, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय सब समझते ना, पर्याय हालत दशा, मेरा पहला पॉइंट मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यदि आप पकड़ जाओ तो मेरा सारा प्रवचन का सार समझ में आ जाएगा आपको, हम सबसे पहले ये देखे हैं कि जिन मांडी में द्रगुण पर्याय का वर्णन हुआ ही क्यों है, तो गुण भेद चिंतन के लिए नहीं, गुण भेद महिमा के लिए नहीं है, शक्तियां महिमा के लिए नहीं है, और जो पर्याय की चर्चा है वो गुणों के माध्यम से ध्रुव तक ले जाने के लिए है, केवल ज्ञान बहुत जोरदार चीज है लेकिन मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, ओहो मैं वह ध्रुव हूं जिसके आश्रय से केवल ज्ञान होता है, मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मैं वह ध्रुव हूं जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, थोड़ी कठिन लग रही हो तो दृष्टांत देता हूं, शक्कर है और दूध फीका है, वो रोने की बात है कि हंसने की बात है, शक्कर है और दूध फीका है, सामने रखें दोनों, बोलो दृष्टांत में इतना भेद कर रहा हूं, यहां तो तब भेद भी नहीं होगा, यहां इतना दृष्टांत, ये शक्कर रखी और दूध फीका है, बोलो क्या करना है, कितना विकल्प करना है, कितने चिंतन करना है, कितनी माला फेरनी है, कितने भगवान का आलम्बन लेना है, कितना क्या पंचकल्याण कराना है, क्या कराना पड़ेगा बोलो, यदि कोई व्यक्ति रोए तो हम कहेंगे मूर्ख है ना, सुना यहां तेरे को सम्यक दर्शन की कमी लगती है, और सम्यक दर्शन का दाता ध्रुव है ना, क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन का दाता ध्रुव है ना, मुक्ति का दाता ध्रुव है ना, तू विकल्प व्यर्थ कर रहा है, पंडित जी आप इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो, मिथ्यात है कि नहीं है, कि नहीं है, कि नहीं, ये तो ऐसी बात हो गई, एक महिला एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हुआ तो गिर पड़ी, गिरी तो दोनों हाथ जमीन पे यहां से गिरे, तो पूरी चूड़ियां फूट गई, अब पूरी चूड़ियां फूट गई, पति तो सुरक्षित था, मतलब पति तो सुरक्षित था, नहीं चूड़ियां फूट गई, और अब क्या करना चाहिए बोलो, तुम बोलो क्या करना चाहिए, मातम पुरसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, रोना चाहिए जोर जोर से, अब वो पति कह रहे वो सारी समाज समझाई, तो रोका ही नहीं रही, लग गई क्या कहीं चोट मोट लग गई क्या, कि नहीं चोट तो कहीं लगी, जी तो देखो इतना तो देखो, इतना तो देखो, हम भेदभाव हो गए, तो जी कौन है तुम्हारे, हैं तो जी हैं तो हम इनसे क्या हुआ, ये अनादिकाल में जी हो रहा है, इनसे क्या होता है, पति देवता की जिंदा है, वैसे जे तो मरे ही थे, काई जे तो टूटे ही गई, भाई जे तो मरेंगे, क्यों मरेंगे जे, टूट गई ना चूड़ियां गिर एक्सीडेंट होने से, वारे तेरा मिथ्या ज्ञान, अरे पति जिंदा है चूड़ियां आ जाएंगी, तू पति की ओर देख के बोल, रोना बंद हो जाएगा तेरा, ऐसे तू ध्रुव गया भगवान आत्मा की ओर देख के बोल, तेरा समय दर्शन की डिमांड खत्म हो जाएगी, नहीं उधर उधर देख देख पर्याय में तो देखो, पड़ी पर्याय में तो देखो, क्या देखें, लवा लव ध्रुव भगवान आत्मा है, ध्यान रखना ध्रुव की स्वीकृति नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं, और है विद्यमान, जिसको बैंस जी फरमाते थे हाजिर हाजिर विद्यमान अच्छे ने, ते क्या जा
इतना बढ़िया भगवान आत्मा है ना भाई, ऐसे देखो आप द्रगुण पढ़े, मुझे और ज्यादा नहीं पढ़ाना है। चलो आगे चलो, सारी कहानी समझ में आ गई, इतनी सी कहानी है, जोरदार है भी, मजेदार आप समझो तो। चलो पर्याय की एक बहुत अच्छी बात कहना है, जरा ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम भी बता रहा हूं और सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, अब पॉइंट बदल रहा हूं जैसे ना, प्रॉब्लम भी बता रहा हूं और सॉल्यूशन, जरा ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। सुनो, द्रव्य अनचेंजेबल अनादि अनंत एक रूप है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अनादि जीव हूं, अनंत काल तक जीव रहूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जीव द्रव्य में अनंत गुण है, ये अनंत गुण भी एज इट इज है, सुरक्षित है, ध्रुव है, परिपूर्ण है, इनमें कोई कमी नहीं आई। पंडित साहब ने तो भजन में लिख दी बहुत सुंदर लग रही पंक्ति, पर्याय हीनता से मुझ में कमी ना आई, पर्याय हीनता से मुझ में कमी ना आई। समझ में आया? अब वापस आ, ये नॉन चेंजेबल है, इसे प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है, ध्यान रखना प्रॉब्लम, इसको देखते रहे ना, नहीं मैं बहुत तेजी से बदलूंगा बात, प्रॉब्लम इधर है, क्योंकि पर्याय में प्रॉब्लम है ना आपको, तो जरा पर्याय का स्वरूप देखो, पर्याय का स्वरूप देखो, ये नॉन चेंजेबल है, ये चेंजेबल है, चेंजेबल बदलती है, बस इसीलिए तो मैं भ्रम हुआ है। पॉइंट नोट किया जाए, प्रॉब्लम पर्याय में भी नहीं है जो मैं सिद्ध करूंगा अभी हाल, सॉल्यूशन तो यह है कि पर्याय में भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये ध्यान से सुनना, ये नॉन चेंजेबल है और ये चेंजेबल है। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत जोरदार बात कही, खुलासा किया 308 से 311 गाथा के आधार से समय साझी परमागम के, और उन्होंने एक बात कही कि पर्याय क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध का मतलब समझ में आया? तीन काल की जो चेंजेबिलिटी है ना, चेंजेबिलिटी, वो नॉन चेंजेबल है। कुछ बोला मैंने? क्या बोला? तीन काल की पर्याय नॉन चेंजेबल है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ सुना, मेरे मजे की मन की बात, मन की बात हो, ये तो मैं बोल ही चुका है, नॉन चेंजेबल है चेंजेबल, लेकिन चेंजेबिलिटी नॉन चेंजेबल इजिकल टू द्रव्य गुण पर्याय नॉन चेंजेबल। अब हम कहाँ विकल्प करें? चेंज होए तो विकल्प करें ना, चेंज कर सके तो विकल्प करें, चेंज होना और क्रमबद्ध चेंज होना, अब हमारा विकल्प तो खत्म ही हो गया। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? एक काम करो, क्यों तुम अपने बड़े करने का कोई विकल्प करते हो? मैं अपने को बड़ा करूं, शरीर कैसा बड़ा करना है? बोला कि पंडित जी होता तो है, वो अपने क्रम से होता है। कैसे क्रम से होता है? पहले शिशु था, फिर बालक हुआ, फिर वो किशोर हुआ, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, प्रौढ़ हो गया, बूढ़ा हो गया, ये एक क्रम है। मतलब आप में से किसी को ऐसा लगता है आजकल मेरा प्लान चल रहा है? बोले काय का बूढ़े होने का? नहीं नहीं, वो प्लान बेकार, मैंने कैंसिल कर दिया, बूढ़े होने का, मैंने तो जवान होने का कैंसिल कर। अरे तेरे हाथ में दौड़ी है, नहीं तो हाथ खड़ा करो। शिशु अवस्था से लेकर मरण पर्यंत जितनी अवस्थाएं इस देह की होनी है, कौन कौन के पास प्लान है? बोले वो तो क्रमबद्ध ही है। तो फिर तुम विकल्प नहीं आते, इसलिए इसे बूढ़े करने के विकल्प नहीं आते, जवान करने के विकल्प नहीं आते। अच्छी भाषा में बोलूं, होते हुए की ज्ञाता तो रहता हूं। क्या बोला मैंने? होते हुए क्या ज्यादा तो रहता हूं, लेकिन करने का विकल्प नहीं आता। ऐसे द्रगुण पर्याय नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल माने तेरा दिमाग का काम नहीं है इसमें। होता तो है, पर्याय होती हैं, पर्याय का परिणमन होता है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, पर्याय का परिणमन हो तो इसलिए कहने में आ जाता है। तो पर्याय होती है, करना क्या है आपको बताओ। चलो आगे चलो, चेंजेबिलिटी इज ऑल्सो नॉन चेंजेबल। क्योंकि क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना पूरे, प्रत्येक द्रव्य की तीन काल की योग्यताएं उसी वस्तु में खचित है। प्रवचन साधी की शैली तो बहुत जोरदार, अपने स्वयं समय में खचित है। क्या क्या बोला क्या बोला? तीन काल की पर्यायों की योग्यता उसमें खचित है। खचित का मतलब समझते हो? खचित का मतलब नॉन चेंजेबल, वो अपने स्वयं काल में ही होती है, होती ही है,
अंतरकरण मैंने स्वयं काल में होती है और होती ही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम कहां दिमाग लगाएंगे, किसे बदलने में दिमाग लगाएं, बेकार बेफिजूल परेशान। सच में कितना सुंदर स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री से मिल गया त्रिगुण पर्यायी स्वतंत्रता का, इसके बाद कुछ करना बाकी नहीं बचता। तो मैं कोई बच रहा हूं तो मुझे बताना भैया, मैं भी उपयोग लगाऊंगा। मुझे तो ये विकल्प बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, कहां से बोलूंगा। द्रव हुआ, गुण हुआ, पर्याय, तीन काल की पर्याय खचित। क्यों खचित? इसके लिए बहुत अच्छा एक सिद्धांत खुल करके आया, जो अल्टीमेट सिद्धांत है जैन शासन का। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई सिद्धांत नहीं है, अल्टीमेट सिद्धांत, और उसका नाम है तत्समय की योग्यता। क्या बोला हमने? तत्समय की योग्यता। वस्तु में पड़ी है वो तत्समय की योग्यता। फिर से बोलूं क्या बोला? तत्समय की योग्यता। वो उसे करना नहीं पड़ता, योग्यता बनानी नहीं पड़ती, लानी नहीं पड़ती, योग्यता सुधारनी नहीं पड़ती। योग्यता में कुछ नहीं कर सकते आप। आज आपको उल्टा लग रहा होगा सारा प्रवचन, कैसी बातें कर रहे हैं हम तो इसीलिए आए थे पंच कल्याणक में, इससे परिणाम विशुद्ध होते हैं, इससे सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है, बहुत 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 सारी बातें सुनी है। तो भाई साहब वो उपदेश शैली है, वो तुम्हें यहां तक लाने के लिए उपदेश शैली थी, अब तो सुना। वो लाने के लिए उपदेश शैली थी, अब सुनाओ। एक भी पर्याय में हेर फेर की गुंजाइश, ध्यान रखना। मिथ्यात्व को टालने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व के टलने का नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोले मैंने? क्या बोले? मिथ्यात्व को टालने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व के टलने का नाम। अब क्या फर्क पड़ गया? फालतू घुमाते हो, एक जरा सी मात्रा बदल दी, बस बाजीगरी नहीं, जमीन आसमान का फेर है। थोड़ी देर पहले कहा मैंने पकड़ गए हो आप, तो भाई साहब वस्तु स्वरूप को समझने का नाम सम्यक दर्शन है। फिर कुछ बचते ही नहीं कुछ करने के लिए। मैं एक दृष्टांत देता हूं, चलो। एक डॉक्टर है और उसके पिताजी हैं 90 साल के, और शरीर वहां यदि हमें बुंदेलखंड की भाषा में कहे तो तंत्र नहीं है। तंत्र नहीं समझते माने कोई रिकवरी पावर कहलाती है, क्या कहलाती है, इम्यूनिटी सिस्टम, क्या और क्या क्या होता है वो, जो जो तुम समझ लो, रेसिस्टेंस पावर, जो तुम समझते हो। उन्होंने ताकत ही नहीं, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल 90 साल के। अब उन्हें बहुत जमकर भयंकर वेदना हो रही है। और डॉक्टर वर्ल्ड का नंबर 1 है, और उसी के पिताजी हैं वो 90 साल के, और जिस रोग से वो तड़प रहे ना उसी रोग का वो डॉक्टर है। और डॉक्टर बिल्कुल शांति से निर्विकल्प बैठा हुआ है। जितने लोग आ रहे हैं, तुम कैसे डॉक्टर हो, पिताजी तड़प रहे, वो भी क्या कहलाते तुम्हारी सब रिश्तेदार आ रहे, तुम क्या कर रहे, तुम्हारे पिताजी तड़प रहे। हाँ बोलो भाई, क्या कहना है बोलो। ये उस डॉक्टर की निर्विकल्पता कृत्रिम है या सचमुच है? बोलो भाई, कृत्रिम है कि सचमुच है, बोलो। तो जितने लोगों से कह रहे भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं, बोले भाई ये अंतिम समय चल रहा है, मैं जो कुछ कर सकता था, लोग व्यवहार की दृष्टांत दे रहा हूं, लोग जो कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन इस समय एक भी दवाई दूंगा तो इनकी पीड़ा बढ़ेगी, रिएक्शन बढ़ेगा, तकलीफ होगी, मैंने कुछ नहीं कर सकता। तो आपको दुख नहीं होता? भाई सहानुभूति होना अलग बात है, संवेदना होना अलग बात है, लेकिन कर नहीं सकता कुछ। बोलो क्या करेगा डॉक्टर? बोला करने के प्रति निर्विकल्प इसलिए हो गया कि वहां कोई करने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही एक भी पर्याय में फेरफार करने की गुंजाइश नहीं है। मेरी बोलने की स्टाइल खराब होगी थोड़ी देर के लिए, आप उसका अन्यथा नहीं लेना। मन जी मैं वस्तु स्वरूप की मुख्यता से कह रहा हूं, उसे समझना। आपको पता है सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, द्वादश अंग, दिव्य ध्वनि, क्या क्या वो, तीन लोक, तीन काल, सब जानते हैं, लेकिन एक बात नहीं जानते, पता है आप? सर्वज्ञ भगवान एक बात नहीं जानते। बोलो कौन सी बात नहीं जानते? बाकी सब जानते हैं, तीन लोक, तीन काल की सारी बातें जानते हैं, एक बात ऐसी है जो नहीं जानते हैं। कैसी बातें कर रहे, सर्वज्ञ हैं भाई साहब, वो सब जानते हैं। नहीं नहीं सुनो, एक बात नहीं जानते, कौन सी पता है? एक भी पर्याय को आगा पीछा करना नहीं।
एक भी पर्याय को आगे पीछे करने का शक्ति भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। ओहो, तीन लोके अनंत बल के धनी सर्व भगवान, ये पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और अपन लोग क्या कर रहे हैं, मिथ्यादृष्टि क्या कर रहा है? नहीं कर तो वो भी नहीं रहा है, ध्यान रखना, मिथ्यादृष्टि भी कर नहीं रहा है। मिथ्या दृष्टि भी कर कुछ नहीं रहा है, ध्यान रखना। क्यों क्यों मैंने शुरू में बता दिया, द्रव गुण पर्याय इतना निरपेक्ष परिणाम है कि इसमें किसी भगवान की नहीं चलती, सर्व की नहीं चलती इसमें। तुम्हारी तो क्या चलेगी, तुम्हारी मिथ्या कल्पना होगी तो क्या चलेगी, किसी की नहीं चलती इस द्रव गुण पर्याय में। लेकिन मिथ्या दृष्टि यही लगता है, नहीं मैं बदल के रहूंगा, बदलता तो है ही नहीं कुछ। दृष्टांत देते थे पहले पंडित जी कैलाश चंदी अपने बुलंद शहर में, तो दृष्टांत देते, जैसे कोई व्यक्ति दीवार है ना, दीवार घर में दीवार होती है, दीवार वो ये कहे कि मैं बहुत जम के ताकत लगाऊंगा, सिर से सरक जाएगी, तो बहुत दौड़ता दौड़ता आता और सिर मारता, तो दीवार कितनी सरक जाती थी? अरे बोलो कितनी सरक जाती थी? एक आधे इंच हो, और जम के मारूंगा तो जरूर गए, तो और जम के दौड़ा और धड़ा क्या होगा, दीवार सरकती है कि? बोले भाई समझ गया ना दृष्टांत, एक पर्याय में फेरफार करना बिल्कुल ऐसा है। तो ऐसी बात कहकर मुझे क्या कहना है, जो आप इतनी गहराई से मैं कह रहा हूं भाई, एक पर्याय का मतलब है एक पर्याय में भी जब नहीं कर सकता तो तीन लोग तीन काल की पर्याय में क्या करेंगे हम। और जब मैं अपने में नहीं कर पा रहा हूं, अब पॉइंट बदल रहा हूं, मैं अपने में नहीं कर पा रहा हूं तो दूसरे में क्या करूंगा। और मैं तो दिन रात सजेशन देता हूं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसे परिणाम क्यों करते हो, तुम चाहो तो क्षमा रख सकते हो, कोई भी रख सकता। तो ना एक ही बात समझी जा सकती है कि द्रव गुण पर्याय खचित है, बस। इससे क्या फायदा होगा, किसी को समझाने का भी राग उत्पन्न नहीं होगा, इतनी ताकत है इसमें, निर्विकल्प हो जाएगा, स्वरूप में लीन हो जाएगा, इतनी ताकत है इस बात की, कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है। लोग मेरे से पूछते थे, अभी मेरे से पूछे, पंडित जी यहाँ कोई कमी हो तो आप बताओ, तो मेरी कमी ये है कि जे वाला खंभा निकाल के उधर लगा, उधर वाला इधर लगा, लगा लगाओ जी पिलर, यहाँ का ये वाला पिलर है ना, इस तरफ लगा दे, इस वाले को इस तरफ लगा दे, लगा पंडित जी, और कुछ हो तो बोलो, ये तो यहाँ सही रहेगा, जे नहीं रहेगा। बोलो यहाँ क्या क्या बदल सकते हैं, बता बदल के बता दे, इससे बड़ी शांति मिलती, बड़ी शांति। हम रोज जो टेंशन करते हैं ना, ये बहुत खराब आदमी है, उनने बहुत बिगाड़ दिया, पंचम काल है, उनने सत्यनाश कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया, हम तो भैया खून के घूट पी के रह जाते, ढोल खून के घूट पी के रह जाते। अरे तो त्रिगुण पर्याय की स्वतंत्रता देखना, जो पर्याय खचित है वही तो हो रही है। मेरे को भी पहले ऐसी बहुत आलोचना रहती थी, पंचम काल है, कोई सुनता नहीं, ऐसा वैसा, बहुत बुरा बुरा, बहुत बुरा बुरा। लेकिन एक बार मुझे सुनकर बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया, उस दिन से मैं मजे में हूं। डॉक्टर साहब बोले, तुम क्या चाहते हो, क्या केवल ज्ञान झूठा हो जाए? क्या कहा, क्या कहा, तुम क्या चाहते हो केवल ज्ञान झूठा हो जाए, कि केवल ज्ञानी भगवान ने तो यहां से ऐसा देखा था जो हो रहा है, और तुम क्या चाह रहे हो? आप सच कह रहे, बड़ा आनंद आया आपको। अरे हम अपनी पर्याय की फेरफार नहीं कर सकते, फिर विकल्प खत्म, मुझे ये कहना है, दूसरे में क्या करें, दूसरों के विकल्प बदलने में हम क्या करें, दूसरे में क्या करें, वो काम ही नहीं बचा, कुछ गुंजाइश नहीं बची। देख लेना, विकल्प पंडित साहब ने लिखा है, बहुत अच्छी सूक्ति है, विकल्प तेरे प्रयोजन साधने के लिए तो अकिंचित कर है, लेकिन अनर्थकारी है। क्या कहा, क्या कहा, अकिंचित कर है, विकल्प तेरे कार्य साधने में तो अकिंचित कर, अकिंचित कर समझते ना, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अनर्थ, अनर्थ, अनर्थ समझ गए, वो सिर फूट रहा है, सिर फूट रहा है, और जम के सिर फोड़
फिर से सुनो भैया, फिर से सुनो, पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है आपकी, आप जानो। द्रव गुण पर्याय पर इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। द्रव्य में नो प्रॉब्लम, गुण में नो प्रॉब्लम, तीन काल की पर्याय खचित है भाई, इससे नो प्रॉब्लम। क्या बोल गया जल्दी जल्दी? द्रव्य में नो प्रॉब्लम, गुणों में नो प्रॉब्लम और पर्याय में नो प्रॉब्लम, क्यों? खचित ही है। तू इस खचित स्वरूप को नहीं जानता, क्रमबद्ध को नहीं जानता, इसलिए प्रॉब्लम है। संसार कितना पता है? संसार कितना है? पर्याय में कोई बिगाड़ हो गया इसका नाम संसार नहीं है। क्या बोल रहा हूं? पर्याय में बिगाड़ हो गया इसका नाम संसार नहीं है। संसार कितना कि जितना तेरा ज्ञान। क्या कह रहे? जितना तेरा अज्ञान। काय का अज्ञान? द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता का। अपनी राजमजी पांडे साहब, समय साहजी कलश जी का सर्विशद ज्ञान अधिकार, बड़े सुंदर सुंदर कलश की चर्चा उन्होंने टीका जिस तरह से की अपने अपने भाववाही टीका में, उन्होंने कहा हमें तो अचंभा होता है, इसको मिथ्या तो हो कैसे रहा है? ए क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं टीका में कि हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित होने का अचंभा नहीं है। ये सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं इसमें अचंभा नहीं है, ये सारे जीव मोक्ष चले जाएं इसमें अचंभा नहीं है, हमें तो अचंभा इसमें में है कि इनको मिथ्यात क्यों हो रहा है। फिर अगली लाइन में, पहली लाइन सूख नहीं पाई और अगली लाइन में लिखा उन्होंने, अचंभा तो कुछ नहीं अचंभा तो कुछ नहीं है, क्या द्रव गुण पर्याय की मर्यादा को भूल गया है। क्या बोले? क्या बोले? ध्यान से सुनो, द्रगुण पर्याय की मर्यादा नहीं टूटी। क्या बोल रहा हूं? द्रगुण पर्याय की मर्यादा नहीं टूटी। तुमने अपने को आदमी मान लिया तो आदमी हो नहीं गए, क्यों? कितने इंद्रिय जीव हो तुम अभी? बोलो जोर से बोलो, बोल बेटे, पांच इंद्रिय जीव हो नहीं गए कहने पर भी नहीं हुए और मान लो तो भी नहीं हुआ। आहा, पंडित साहब ने भजन गाते नहीं, तू माने या वे ना माने, मस्ती में डोलो मस्ती में। सच में पूज्य गुरुदेश नहीं मिले होते तो मैं द्रगुण पर्याय की चर्चा नहीं कर पा रहा होता। इतनी सूक्ष्म है, मैं भी जाना सूक्ष्म है, लेकिन मजा तो इसी में ही है। कौन पकड़े इतनी इतनी भीड़ भरे में तो स्थूल ही चर्चा हो, लेकिन नहीं आप आए हो तो मैं इस बार द्रगुण पर्याय का मन है बस मेरा, मतलब मेरा उसी उसी में चिंतन चल रहा है बस। विकल्प ही नहीं, विकल्प उत्पन्न होने के लिए स्थान नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान रखना, विकल्प रोकना नहीं है, समझने के बाद विकल्प खड़ा नहीं होता। डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था ना, पिताजी की इलाज करने का विकल्प ही नहीं आ रहा उसे। अरे कुछ करो, कहां करें, नशे ही नहीं मिलेगी, तो कभी दवाई ही ठोक दे। कैसे ठोक दे? कभी हराम को थोड़ी पिताजी हमारे हराम का समझ गए होगे, और किसी के हुआ तो 10 दिन तक भर्ती कर ले वो द्रगुण पर्याय समझ में आ रहे हैं? तीन काल की पर्याय खचित है, ये बहुत आनंददायक बात है। कैसा ऐसा क्यों हो गया? खचित है। अब उत्तर में इतनी इतना बोलते जा रहा है, प्रैक्टिकल दूं थोड़ा। पति पत्नी दोनों घर में हैं और पत्नी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, पति बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, सांत्वना गोपाल दास जी बलैया जी की तरह। थोड़ी देर बाद पत्नी का मूड थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि जो निकलता है ना बफाल, क्या उबाल उफन जाता है तो फिर थोड़ा शांत हो जाता है। फिर वो चुप हो गई थोड़ी देर बाद, फिर कहा तुम कौन सी मट्टी की आदमी हो? बोले क्यों, क्या हुआ? क्या मेरे शांत रहने में भी तुझे तकलीफ है? अरे तुम भी कछु कहो तो। आपको पता है गुस्सा करने वाले को तब मजा आता है जब कोई गुस्सा करे, शांत रहे तो और भी मिसमिसी छूटती है, मिसमिसी समझती है और आग लगती है। कछु कहो तो, बस मौसी के बैठ गए तो फिर जब वो थोड़ी और शांत हो गई बोल बाल कर, तो उसने छोटा सा गणित बताया। कोई जो हुआ, कौन सा गणित बताया वो बोलो? सुनो, तू तेरी पर्याय से अप्रभावी है,
तू ये तेरी पर्याय नहीं है, वाणी तेरी पर्याय नहीं है, तू तो ध्रुव है, हम तुझे ध्रुव देखते हैं। और ये वाणी की पर्याय इसी समय में ऐसी खचित थी, तू भी उसकी ज्ञाता है, मैं भी इसका ज्ञाता हूं। अब कौन किस पे गुस्सा करे, किस पे गुस्सा करे बता। अरे साहब आजकल बड़ी लूट मार चल रही, अपन क्या करें, जैसे अखबार पढ़ लो, वो क्या क्या कह रहा था, सीए क्या है वो क्या कुछ है ना, कुछ आजकल वो नागरिकता वाला कुछ चक्कर क्या सॉफ्ट ऐसे कुछ है, जो जो तुम्हारा नाम है एनसीए और एनसीआर का क्या है वो जो जो समझ तो गए होगे ना आप, मैं तो नहीं समझ, तो जो जो चक्कर है भाई साहब, कैसा मोदी है, कैसा राहुल है, बिल्कुल ही पप्पू है, अरे तुम बड़बड़ा चाहे चिल्लाओ चाहे खर्ची हो, उन सब की ऐसी ही पर्याय खर्चित है। अब क्या करोगे बोलो, आज अपन मर जाए तो अभी ये तो नहीं रुकेगा ना, जो जो चल रहा है, जो ना वो बिल पास रुकेगा, ना इधर ये कुछ रुकेगा, ना उधर कुछ रुकेगा, तो अपन क्या टाइम खराब करो, जब खचित है तो खचित मतलब समझ में आया, खचित। पंडित जी आपको कहने में क्या लगता है, हमारे चार बच्चे हैं, एक बिल्कुल बेकार हो रहा है, एक फला हो रहा है, एक ऐसा हो रहा है, तो फिर अब तुम्हारे रोबे से क्या वजह से सोचे सही, खचित देख लो मजा आएगा तो और क्या करें, ऐसे तो फिर सारी दुनिया बिगड़ जाएगी। अरे तेरा भाव सुधर जाएगा, दुनिया की दुनिया छोड़ दे, कोई नहीं बिगड़ेगी, एक पर्याय नहीं बिगड़ेगी, तीन लोग तीन काल खचित है, एक पर्याय नहीं बिगड़ेगी, काहे को टेंशन में लगे। नहीं फिर तुम में और उनमें क्या अंतर हुआ, हम ना हुए, कहते ना क्या क्या कह रहा हूं, मुहर्रम होता नहीं मुहर्रम, हम ना हुए तो होते तो क्या कर ले, उस समय तुम्हारे पिताजी की पिताजी की पिताजी कोई तो होगा, तुमने क्या कर लिया। प्रभु गजब गजब बात है, तीन लोग तीन काल की सारी पर्याय खचित है, कोई को टेंशन लेना नहीं। पंडित जी अब थोड़ा सूक्ष्म करके बात खत्म कर दें, पंडित जी और कोई टेंशन बिल्कुल नहीं है, भगवान की दया से, इसकी बोलने की स्टाइल है, भगवान की दया से, समझिए मैंने पुण्य के उदय से, मोक्ष हुआ तो पुण्य के उदय से बोल देगा, सब खाने पीने को है बढ़िया, स्वास्थ्य सब अच्छा, स्वास्थ्य भी ठीक है, कमाई धमाई सब ठीक है, अब ये कई चिंता सता रही, बोले कहा सम्यक दर्शन हो जाए, अब इसकी टेंशन है, तो उसी टेंशन को मिटाने के लिए तो कह रहे भले आदमी वो भी खचित है, ये तो फिर हम कैसे नहीं करें इसको, क्या सुन ले सभी लोग, इसको क्या लगता है, टेंशन करना इज इक्वल टू पुरुषार्थ, रोना माने पुरुषार्थ, रोते रहो बैठ के भैया, पंडित जी हमें वजन नहीं सुना, वो देख देख जीवन संकित बिना, अब नहीं सुना, सुना है ना, जब जब ही तो मानन करते देख देख जीवन संकित बिना, माने पर्याय की बात नहीं चल रही, ध्रुव का अनुभव नहीं करता, वो धिक्कार के ही हो गया है, क्या कह रहे, क्या बोले, जो ध्रुव का अनुभव नहीं करते वो धिक्कार के ही हो गया है, ध्रुव होना थोड़ी है, लाना थोड़ी है, बनाना थोड़ी है, ध्रुव तो आप होना है, सचिन इतनी इतनी बढ़िया चीज है, मैं मेरी उंगलियां देखो, ये तो आप समझ गए, पूरे विश्व में द्रव गुण पर्याय से बाहर तो कुछ नहीं है, अब सारे द्रव हटा दो, अपना द्रव यहां रख लो, रख लो, अब कुछ बच जाए तो बताना मुझे, हो द्रवगुण में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और मेरे हिसाब से तो पर्याय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका व्यय हो जाएगा, हुआ व्यय हो जाएगा, और सम्यक तो नहीं हुआ तो उसका उत्पाद हो जाएगा, हो जाएगा कह रहा हूं, करने की बात कहां आ रही है, अब इतनी सी बात है, अब जो प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है, या रोना रोना रोने से क्या काम है, ध्रुव का अनुभव कर बस खत्म, समझ में आया कुछ, फिर से बोलू, फिर से बोलता हूं, समझ से सुन, चौदह गुणा स्थान पढ़े आपने, चौदह गुणा स्थान, चौदह गुणा स्थान पढ़े, एक मिनट में पढ़ाऊ, एक मिनट में, ध्रुव का अनुभव नहीं करता उसका नाम मिथ्या, ध्रुव का अनुभव करता है वो चौथा, और ध्रुव का अनुभव बढ़ता जाता है तो पंचम, ध्रुव का अनुभव और बढ़ता जाता है, ध्रुव में स्थिरता बढ़ती जाती है, छठा सातवा, सातवा छठा, और फिर ध्रुव में स्थिर होते तो, ध्रुव में स्थिर होते तो श्रेणी का ध्यान, छपक श्रेणी, और ध्रुव में स्थिर हुए तो केवल ज्ञान, और ध्रुव में स्थिर हुए तो मोक्ष हुए, क्या बताओ फिर आनंद काल मोक्ष हो गया कि नहीं हुआ, बताना सारी प्रॉब्लम कितने समय सॉल्व हो गई, पंडित जी आप ध्रुव की बात मत करो, गजब हो गया, तुमने ध्रुव निकाला पूरा जैन शासन का मैल ध्वस्त हुआ, हम ध्रुव के बिना शुरू नहीं करेंगे,
पूरी जिनवाणी पढ़ने का तरीका है, फिर से सुन लो, पूरी जिनवाणी पढ़ने का तरीका है, मैं उत्पाद व्यय से अप्रभावी हूं, उत्पाद व्यय से अत्यंत सुरक्षित हूं। विकार का उत्पाद होता है लेकिन मैं विकारी नहीं होता। निर्मलता का उत्पाद होता है लेकिन मैं निर्मल नहीं होता, मैं सदा निर्मल ही हूं। इसका नाम ध्रुव। क्या बोला? इसका नाम ध्रुव। जी है भैया, सिद्धों से मुलाकात होके रही है ना, क्या गाना गाते भजन गाते हो? आज सिद्धों से अपनी बात होके रही, क्या बात होके रहेगी? मैं भी ध्रुव हूं, ये सिद्धों से हो गई बात। आपको एक निश्चिंता की एक बात बोलूं? वैसे तो मैं बोल ही चुका हूं, फिर भी आप खुल्लम खुल्ला सुनना चाहेंगे तो बोल। द्रगुण पर्याय का स्वरूप विचार करके, उत्पाद में ध्रुव का स्वरूप विचार करके, ध्रुव का अनुभव शुरू करो। कैसे करो? वो तरीका यही है। बोलूं, पर्याय की चिंता इसलिए मत करो कि वो खचित है। तीन काल की पर्याय अपने स्वयं समय में होंगी। हाँ, इस पंडाल में नहीं, इस पंडाल में नहीं, निगोद में रहने वाला जीव भी अपने स्वयं समय में मोक्ष पहुंचेगा। एक भी जीव की गाड़ी लेट नहीं होगी मोक्ष जाने में। तुम समय, तुम सब, हम सब, मैंने तो निगोद तक को समेट लिया, तुम सब, हम सब सही समय से मोक्ष पहुंचेंगे, एक समय भी लेट नहीं होंगे। इस एक घोषणा होती है, तीन काल की पर्याय खचित है। तो हम क्या करें? करो ना, अनुभव करो ना, मजा करो ना, निश्चिंत रहो ना, टेंशन रहित रहो ना। कोई जरूरी करो 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 करें करें क्या क्या करना है? ज्ञाता हो तो ज्ञाता रहो। अमृतचंद स्वामी की बात लेकर मैं बात पूरी करता हूं। मैं आपको अपनी टीका की भाषा में बोलता हूँ, इस तरह की भाषा में बोलता हूँ। अपन अमृतचंद स्वामी भूजी, आप तो जी बताओ, अब हम करें? हमने द्रगुण पर्याय तो जान लिया, समझ गए, छह द्रव सात तत्व समय सात परम सब पढ़ लिया, अब हमें इतनी सी बात बताओ, अब हम क्या करें? तो उन्होंने उत्तर दिया, ज्ञानात अन्यत करो। ठीक है, तू ज्ञान के सेवा कर क्या सकता है भाई? इसी उत्तर का विचार करके खूब आनंद करो, निश्चिंत रहो, निश्चल रहो, और बाकी थवा योग थाए से होने योग परिणाम होंगे। ध्यान रखना, स्वच्छता की कोई बात इसलिए नहीं है, द्रगुण पर्याय की सुंदर चर्चा है। संयोग में तो सावधान हो जब तो आप यहां तक आए हो, और बाकी सब 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 सावधानी आपको पता है और मिलती रहेगी। और सही बताएं, मोक्षगामी जीवों के खोटा परिणाम होता नहीं, खोटी क्रिया होती नहीं। पहले खोटापन घटता है, फिर बदलता है, और खोटापन मिटता है और मोक्ष हो जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना, खूब ध्रुव स्वभाव का अनुभव करो। ओम नमः शिवाय। द्रव्य रूप तैयार है, इसमें पूरा काम चलाना खचित है। हर तैयार अपने स्थान पर खचित है, ना वो आगे होती है ना पीछे होती है। आगे करने का विकल्प और पीछे करने का विकल्प वही अपना अज्ञान अथवा मिथ्यात्व है। जो खचित है उसे स्वीकार करें, पर्याय तरफ भी नजर रखने की जरूरत है नहीं, उतना तो अपनी दृष्टि ध्रुव के अलावा कहाँ रहेगी? और एक ध्रुव स्वभाव का अवलंबन ले तो चौथा गुण स्थान विशेष अवलंबन, पंचम गुण स्थान ज्यादा स्थिरता, सातवा छठा और श्रेणी मॉडल और सीधा मोक्ष। बस एक पर्याय द्रव्य गुण पर्याय जो भी खेल है वो द्रव्य गुण पर्याय का ही खेल है, और हर पर्याय अपने स्थान में खचित है। संजय जी पार्ला की बात आता रहती, हेलो पार्ला, पहले दिन जुलूस एक घंटा लेट हुआ तो एक हमारे मित्र थे विजय भाई, आप जानते हो हाथरस वाले, वो बैठे थे, उन्होंने बोला कि रद्दे भाई एक घंटा लेट हुआ। किसने बोला एक घंटा लेट हुआ? आज भी अभी जाओ सिमंदर भगवान के पास और उनको पूछो, भगवान के अनुसार कोई भी उतना लेट होता ही नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने लिखा है, जगत में जितना भी अव्यवस्थित परिणाम दिखता है वो भगवान के ज्ञान अनुसार और वस्तु के स्वरूप के अनुसार वो परिणाम भी व्यवस्थित है। बस ये व्यवस्थित का स्वीकार करना उसका नाम ही धर्म है। ऐसी वाल्मीकि की बात और संदेश अगले बार विचार सुमजी के भाई साहब के माध्यम से अपन ने सुना।